नमस्ते, खुशामुदीद। हेरिटेज स्टोरीज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के पेज पर मैं सरिता नायर आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं एपिसोड 2 सीजन 3 इतिहास के पन्नों से। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कुछ अनसुन अनकही कहानियां वीर और वीरांगनाओं की, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज की कहानी हम आपके लिए लाए हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक हिस्सा अवध, यहाँ की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ, लखनऊ मशहूर है अपने कबाब, नवाब, वहां की उर्दू शायरी और तहजीब के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ का दूसरा पहलू, जहां एक अनकही कहानी आप सुनेंगे एक अलग ही अंदाज में। इतिहास के पन्नों से पर हमने हमेशा कोशिश की है कि आप तक रूबरू हम ले आए कहानियां, शख्सियत और कहानियां जो किस वजह से कहीं ना कहीं अनजानी है, लेकिन इतिहास के पन्नों से पर हम आपको वो कहानियां ले आते हैं। तो सुनिए ये कहानी एक वीरांगना की। ये वीरांगना वैसे थी तो एक सिपाही की पत्नी, पर उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। ये कहानी आप तक ले आ रही है बहुत ही अलग अंदाज में पूनम जोशी जी। लेट मी टेल यू अ लिटल अबाउट पूनम जी। पूनम जोशी इज एन एजुकेशनिस्ट, अ पर्सोना एनहांसमेंट एंड इंग्लिश ट्रेनर, अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ पोएट, एन आर्टिस्ट, अ ट्रेन्ड वोकलिस्ट एंड अबव ऑल अ पैशनेट स्टोरी टेलर। Music and rhythm flow in her stories, mesmerizing both children and adults alike. She believes we are all stories waiting to be heard. An army officer's wife, she has traveled far and wide, gathered stories all along, and now helps others to understand the power of stories under the banner of her venture, Katha Vriksh, where stories grow. She's also the co-founder of Indian Storytellers Healers Network, which has been curating story festivals with the aim to create an awareness about the power of stories in community building, preservation of our traditions and culture through stories, and most importantly, building community so that each one of us has someone to turn to for guidance and support, and also to impart values, peace, happiness through stories. And today, joining Poonamji in her story are two very talented artists who will be playing the tabla and the harmonium. They are Adhikari ji and Gokaran ji. So over to you, Poonam ji. Please join us. कल आप इसे दोहरा
फिर का है का डरना है फिर का है का डरना है फिर का है का
19वीं शताब्दी में देश गुलाम था, क्या बच्चा क्या बूढ़ा सबके दिल में तूफान था। गोरों का हर तरफ हो रहा अत्याचार था, लॉर्ड डलहौजी था शातिर, लॉर्ड डलहौजी था शातिर, ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ाने के खातिर गोद निषेध नीति लाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कहलाई, धर्म के नाम पे खिलवाड़ किया, धर्म के नाम पे खिलवाड़ किया, भारी से भारी कर लिया आदिवासियों पर जुल्म किए, कारतूस पर चर्बी लगाई, अब धर्म की बना दी लड़ाई, धर्म की बना दी लड़ाई, धर्म की बना दिया।
बंदर बाघ की लड़ाई छिड़ी, दिल मिलाई गोरों की फौज ने बदले की थी ठानी, खबर मिली 2000 भारतीय सैनिकों ने सिकंदर बाग में पनाह समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग को घेर लिया, बरसाई गोलियां अनगिनत, बरसाई गोलियां अनगिनत, अनभिज्ञ सैनिकों को ढेर किया, अनभिज्ञ दिया गोरों को इस बात
अवध के उजरिया गांव में जन्मी, खुदा माँ ने नाम दिया, 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 खुदा माँ ने नाम दिया। I am speechless.
I'm truly speechless. Thank you, Poonam ji, for bringing this inspiring story to us. इतने अनोखे अंदाज में, और ये पूरा आपने खुद लिखा है, और हम हर वक्त जो भी सुनने वाले हैं, I'm sure we are getting messages, हम आपके साथ क्लैप कर करके आपके साथ वो जुनून में हमने उस स्टोरी को महसूस किया. एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द स्टोरी ऑफ उदा देवी टू अस इन दिस फॉर्मेट. एंड थैंक यू टू द आर्टिस्ट विद यू एज वेल. It's been a beautiful experience. You know, I'm truly speechless. एक एक जो आपने जो words लिखे हैं, जहाँ पे you know गिर गई उदा, उड़ गए प्राण, and also that शहीद हुई, लेकिन she has lit the way for people in the next generations. It's such an inspiring story. So please, you know, I please say something. I'm happy that I could reach out. इस कहानी का कहने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि ये कहानी जन जन तक पहुंचे, क्योंकि कितनी ही किताबों में सिर्फ दो चार गिनी चुनी कहानियों को ही हम सुनते हैं. कितने सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनका नाम ही कहीं नहीं मिलता. तो जब आपके इस माध्यम से, इतिहास के पन्नों के माध्यम से जब मैं खोजने निकली, तो एक पूरा संसार पड़ा है वहां पे जिसे हम जानते ही नहीं. कहीं से एक मोती उठा के मैं ले आई और आपके सामने पेश कर दी, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में. एंड कितना कितना इंस्पायरिंग स्टोरी. और जो आपने जिस इतिहास के पन्नों से का यही यू नो इट्स बीन आवर एम टू ब्रिंग द स्टोरीज ऑफ अनसंग हीरोज, एंड दिस द एंटायर फॉर्मेट ऑफ योर स्टोरी टेलिंग वाज सो ब्यूटीफुल, द वर्ड्स, द म्यूजिक, और आपने पूरा खुद लिखा है. एंड यू नो आई एम ट्रूली टुक अस टू अनदर वर्ल्ड. So thank you once again, and I'm sure that the audience you know would also like to see her. So if you can share a few pictures like you had mentioned, it'd be great. Can you see that now? Yes, I believe it's just beginning to share screen. Yes, we can. You can maybe put it on the slideshow mode and we'll be able. Just a minute, something else has come up. Okay, no problem. Challenging me. It's all part of the new normal along with, but I must say I'm still, that's her statue, I believe, right, in Lucknow. Yeah, but are you able to see it? No, just one slide which is open. Okay, on the window. I'll do the second one. So this is the famous statue. Okay. Which is in just right outside Sikandarbagh. There is a chauraha. Okay. वहाँ पे ये लगी हुई है. और अब ये एक दूसरी तस्वीर आ गई होगी जो उनकी पिक्चर है. जी. उनकी फोटो है जो हम देख सकते हैं. उनका चेहरे का तेज देखिए इस फोटो में. Beautiful, and look at her eyes and her determination in मतलब जब आप बोले कि you know jacket और pant पहनकर चढ़ गई ऊपर. You know, I could literally imagine her sitting out there and just shooting, you know, and it takes so much strength because I remember we were talking about it and, you know, there are so many options. She could have lied down there dead. She could have, you know, just hit somewhere, but she chose to do that. The face of death, you know, she was a fighter. Yes. She has to fight. Dar ki koi baat hi nahi hai. Ek hi baar marna hai, phir kahe ka darna. Ka dar. और उनकी आंखों में वो दिखता है. So beautiful. जी. ये एक पिक्चर जो मैं अभी दिखा रही हूँ, इसमें उनकी बॉडी है. Okay. और साइड में जो फोटो है वो जनरल कैंपबेल की है. इन्होंने उसे उन्हें सैल्यूट किया था, रोक नहीं पाए थे वो अपना जो दृश्य देखकर, उनकी बहादुरी देखकर. उस वक्त उन्हें दुश्मनी नहीं नजर आई, उन्हें सिर्फ बहादुरी नजर आई. रिस्पेक्ट. उन्होंने हाथ उतार के सलाम किया. वो है ही सलाम के काबिल. एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, विमेन हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है, जो होपफुली वी विल हियर अबाउट मोर इन द फ्यूचर. बिल्कुल, हर बार एक नई कहानी आएगी, हर फ्राइडे का इंतजार रहता है सभी को. जी, थैंक यू सो मच. ये सिकंदर बाग की असली फोटो है. इसमें 1857 से 2014 तक की सारी डिफरेंट इमेजेस हैं. तो ये मैं निकाली थी. जी, थैंक यू. आपने जो पिक्चर्स लेके आए हैं उससे हम एक चेहरा दे पा रहे हैं,
वी आर एबल टू गिव अस यू नो द प्लेस वी आर एबल टू विजुअलाइज द प्लेस वेयर इट टुक प्लेस दिस इज द लीनिएज इनकी जो वंशावली है okay. जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वीरांगनी उदा देवी के एक सुपुत्र थे निरंजन okay. जिसके बाद उनके सुपुत्र थे सूरज बली और फिर राम सहाय जिनकी फोटो है वो राम सहाय जी हैं फिर okay. राम भरोसे थे और विश्वेश्वरी थी और जो विश्वेश्वरी जी हैं उनके बारे में मैंने ढूंढा तो विश्वेश्वरी जी हैं जून में अभी उनका देहांत हुआ है इसी oh. साल जून में तो ये उनकी फोटो भी है मेरे पास तो उनकी फैमिली अभी भी कहीं ना कहीं है हाँ, इनके बेटे हैं जिसका मैंने कोशिश किया कि मैं ढूंढ पाऊं लखनऊ में कहीं रहते हैं okay. पर, कुछ मिलाप नहीं हो पाया पर पता चला है कि हैं लखनऊ में थैंक यू जो आपने पता किया आई एम श्योर हम सब और उस पे ढूंढेंगे तो जरूर हमें मिल जाएगा और ये सब पिक्चर्स से जो देखने वाले हैं वो जरूर इनके बारे में और पढ़ेंगे और आपकी कहानी तो वो ट्यून तो हमारे मन में और जहन में उतर गया है वो तो कभी यू नो वी ऑटोमेटिकली मूविंग टू इट इवन नाउ सो थैंक यू वंस अगेन एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट हूएवर इज हियर अच्छा या प्लीज गो अहेड एंड देन वी विल जी दिस इज द लास्ट स्लाइड दिस इज द स्टैम्प दैट इंडिया हैज इज नोन फॉर एवरी टाइम दे फाइंड समवन दे मेक अ नाइस स्टैम्प आउट ऑफ इट सो द स्टैम्प इज देयर एंड जैसा कि मैंने बताया उदा देवी के नाम पर कुछ लखनऊ की तरफ लोग उन्हें जानते हैं और जो पासी कम्युनिटी है वो उनके नाम से हर साल 16 नवंबर को एक बहुत बड़ा उसी पार्क के जो बाग है okay. बाग के आसपास एक छोटा सा समारोह करते हैं हर साल okay. 16 तारीख नवंबर तो वो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी पासी जो कम्युनिटी है ये दलित okay. कम्युनिटी है ये उसको बिलोंग करती थी okay. और उनकी ब्रेवरी की तो बात ही मत पूछिए Wonderful. So, हमें आज बहुत कुछ पता चला इनके बारे में भी you know, because otherwise we don't really hear about that community as well in independence fight. So, thank you so much for sharing the story. And I would like to invite all the other you know, guests who are here. I'm sure everyone is waiting to tell you, you know, and talk to you about the story and the telling. So, please join us. Everyone, please switch on your videos and please feel welcome. Yes, Mr. Manoj Ji. सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा असरता जी आपको कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है अनसंग हीरोज को लेकर जिनके बारे में इतिहास नहीं जानता ना लोग जानते इतिहास के पन्नों में के दफन हो गई ऐसी वीरांगनाएं और ऐसे वीर और उसके लिए आपने जिस व्यक्ति को चुना मैं देख रहा था उसने अपना जी जान उस 15-20 मिनट की स्टोरी में लगा दिया ताकि उदा देवी का कैरेक्टर निकल के बाहर आ जाए हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल जिस तरह तबले की थाप पर और हारमोनियम की एक तान पर मैं देख रहा था इतनी देर तक लगातार इस तरह की नरेशन को गाना वो भी एक लेमैन के लिए हैट्स ऑफ आपने कहा ना क्या इन्होंने स्टोरी में कहा था कि कैंपबेल बेजुबान हो गया उसको देख के और आपने भी बात की हम सब भी बेजुबान ही हो गए थे कि किस किन शब्दों से इनका शुक्रिया अदा करें इतनी निरंतरता थी इतनी गहनता थी इतनी गंभीरता थी और इतने अच्छे भाव थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब उदा देवी जो महसूस कर रही थी इनके चेहरे पे आ रहा था तब कहीं इनकी आंखों से आंसू ना छलक पड़े जी वो हम लोग सुन रहे थे कभी भी आज तक मैंने उदा देवी के बारे में नहीं सुना बीइंग अ हिस्ट्री टीचर मुझे थोड़ा आइडिया है क्योंकि मैं झांसी की रानी के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ लेकिन कभी इसको इस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी थी लेकिन इन्होंने जब आज बताया तो लगा कि शायद झांसी की रानी से ज्यादा इनको महत्व मिलना चाहिए था इनफैक्ट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही क्योंकि ये एक चीज हम जैसे इतिहास के पन्नों से ने आज 14-15 एपिसोड्स खत्म किए हैं अगस्त से शुरू किया हमने और हर बार जब भी कोई कहानी आती है हमें लगता है कि हमने इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ा इन्होंने भी तो क्या 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 किया है हमें इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ा क्योंकि हम सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के बारे में ही पढ़ पाते हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने सपोर्ट किया तो बहुत and... अच्छा लगा और मैं पूनम जी बहुत दिल से बधाई देता हूँ बहुत उम्दा और आपके साथी कलाकारों का भी धन्यवाद जिन्होंने आपका भरपूर साथ दिया आपके एक हाथ के इशारे को समझ रहे थे हाँ जरूर प्लीज मिलाइए प्लीज मैं स्क्रीन उनको देती हूँ हाँ जी थैंक यू सबसे मिल लीजिए
नमस्कार, थैंक यू सो मच. आप जुड़े हमारे साथ और बहुत बहुत अच्छे से आपने प्ले किया. आपने पूरा उसका जो फील था वो ले आया. एग्जैक्टली. और दोनों ने इशारों का थैंक यू सो मच. क्या बात, ऐसे क्या, जब ढिंडोरा पीटना था तो ढिंडोरा पीट के दिखा दिया. बिल्कुल. एग्जैक्टली. सुपर. तो इस एक्सपीरियंस सरता जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा. जैसे ये इतिहास की कहानियां हैं, एक हमारे एयरफोर्स के अंदर ऐसी बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं, जैसे शेखों साहब की कहानियां हैं, आर्मी के अंदर ही बहुत है जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते. हम उनके बारे में बच्चों से बात करते हैं, बच्चे बहुत रोमांचित होकर सुनते हैं, और बहुत कम टीचर उन लोगों के बारे में जानते हैं जो क्लास में ऐसी बात करते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट के आसपास ही घूमते हैं या कंटेंट के आसपास, सिलेबस के आसपास. तो आप उनको भी टच करेंगे तो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा. डेफिनेटली सर. इनफैक्ट हम बहुत कुछ होप कर रहे हैं आगे टच करने के लिए थ्रू HSPA, जो हेरिटेज स्टोरीज परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इतिहास के प्रति. अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म रहेगा तो हम अपने बच्चों को भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को साथ जोड़ेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक चीज पहुंचे. थैंक यू सो मच सर. मैं 100 तो आपको एश्योर कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच सर, आपकी सपोर्ट. यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी कि सर थिएटर फील्ड से हैं और NSD के पास आउट है, तो जो उनके मुंह से आ रहा है उसकी बहुत वैल्यू रहती है मुझे. अरे नहीं. तो मैं कभी भी थोड़ी बहुत जरूरत होती है पूछती हूँ तो काफी तंग किया करती हूँ सर. जैसे मनोज जी को मैंने इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो मेरे क्रिटिक हैं, कुछ ना कुछ तो बाद में और बताएंगे. I'm sure, और ऐसे लोगों का हमारी जिंदगी में होना इतना जरूरी है कि जो आपको क्रिटिसाइज भी करे आपका साथ भी दे. तो थैंक यू सर, आप आज यहाँ पे भी आए. वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू. माय प्लेजर, माय प्लेजर. यस प्लीज, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर, प्लीज फील फ्री. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं मनोज जी की हर बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ. उन्होंने जो जो बोला मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ. बिल्कुल इसने जी लिया उस स्टोरी को आज के, इतने सीरियसली, इतनी एक एक बात को. मेरे को भी लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अंदर उतर गई थी इसके अंदर, जिसने स्टोरी में जान डाल दी. और म्यूज़िक ने भी अपना बहुत अच्छा सपोर्ट जो था म्यूज़िक का, माहौल बन गया था बिल्कुल. और हम लोग झूम झूम के बीट ताल में बीट दे रहे के सुन रहे थे स्टोरी. बहुत ही यूनिक बात थी स्टोरी की. मेरे को नहीं लगता कि किसी ने अभी तक ऐसे गा के स्टोरी बताया, मैंने नहीं सुना एटलीस्ट. डेफिनेटली यार, उन्होंने खुद लिखी है पूरी कहानी इस फॉर्मेट में, और जो धुन भी है उन्होंने खुद बनाया है. एंड यू नो वी हैपेंड टू सिट टुगेदर एंड आई वाज लिसनिंग एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड. आई वाज लाइक आई कांट वेट. सो यस. ये जो उदा देवी की कहानी है, पूनम की भी कहानी बन गई है. शोकेस कर दिया अपने कविता की, अपने गाने की, अपने सब चीज को शोकेस कर दिया तुमने पूनम, शाबाश. और जादू होता चला गया. पहले मेरा विचार कुछ और था, मैंने सरिता जी से बात भी करी थी इस बारे में, कहां से निकली थी और कहां आके पहुंची. और वो एक बात हम हमेशा इतिहास के पन्नों से मैं कहते हैं कि कहानी हमको चुनती है और कारवा बनता जाता है हमारे हाथ में. इट जस्ट अनफोल्ड्स. एंड थैंक यू अगेन फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन टू कम हियर एंड ब्रिंगिंग इट इन सच अ ब्यूटीफुल एंड सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी. आई एम स्टिल नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट आईज ऑफ हर्स व्हिच इज जस्ट यू नो इन फ्रंट ऑफ मी, द स्ट्रेंथ दैट शी हैज. एंड आई बिलीव योर हस्बैंड हैज आल्सो जॉइंड अस टुडे. सर प्लीज. थैंक यू वेरी मच. और मैं ये सबको कहना चाहूंगा, स्पेशली आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो आपने सर, वी आर नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली सर. थोड़ा सा पास आ जाएंगे प्लीज. फोन कर. और मे बी ही कैन जॉइन यू पूनम जी एंड दैट बी. या कैन यू हियर मी नाउ? यस वी कैन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो सोच किया है कि जितने हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है देश का, और कई हैं अनगिनत, इनका नाम उजागर करना, इनके जो क्षेत्र के लोग, परिवार के लोग इनको गर्व से देखते हैं, लेकिन हम जैसे आपने कहा लोगों, आपने ये जो सोच पैदा की है, ये इनका जो आपने सब लोगों के सामने इनके जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो ला रही है, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है. और हम सबको इनके बारे में जानना चाहिए और रेडी होना चाहिए. इनफैक्ट आई एम फीलिंग सो स्मॉल टुडे
by you know not knowing these people जिन्होंने अपना जान तक दे दिया है. तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर टेकिंग सच अ बोल्ड स्टेप एंड सच अ स्टेप फॉर मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ यू नो सच पीपल. थैंक यू सो मच सर. इनफैक्ट द थॉट केम ड्यूरिंग कोविड, जब लोगों को कहा गया कि आप घर पे बैठो, यू नो बी सेफ, तो पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग के मास्क डाल के जाना पड़ रहा है, वी हैव टू सिट एट होम. And this thought came ki, what about those people who decided not to sit at home and fight for the country? They looked at a bigger cause and they didn't, you know, they left their families, they gave their lives. So it was like, it's time for people to hear these stories. Maybe that will inspire us to, you know, and that's where Itihas Ke Panno Se came from. And it would not happen without my fellow storytellers, my friends and family, because they all supported. And today it has, you know, it's because of all of them that, and you, whoever has joined, that it is here. So thank you once again, sir, for your kind words. Lopa, I believe you wanted to say something. Well, thank you, Poonam, for gifting Uda Devi to all of us. I mean, really, we in books, whatever is printed, we get to read that. And somewhere HSPA has created this platform where we have got this opportunity, what people want to tell, not only printed things, but other than what is printed, we are getting to know those things. And that is very important, because somewhere it's not controlled by someone who wants to tell us something. It's controlled by what people want to tell and what we want to hear. And thank you, Sarita, and as well as Poonam. What a lovely way of going ahead and narrating a story, I would say singing a story to us. So thank you, Poonam. Thanks a lot. Your story next week. Poonam ji, I feel like giving you a standing ovation, really. My God, jis andaaz se aapne gaya hai, pesh kiya hai, शब्द कम पड़ रहे हैं. मैं भी कोशिश कर रही हूँ पूरी हिंदी में बात करने की, शब्द बिल्कुल कम पड़ रहे हैं. वहां से चिंगारी निकली, 2000 लोगों ने, और वो ट्यूनिंग सब कुछ आपने सिंगल हैंडेडली, फिर से इंग्लिश वर्ड आ रहा है, सॉरी, सब कुछ आपने अकेले, वो ट्यून को क्या बोलते हैं, राग वो लिखना, लिरिक्स, माई गॉड, ऑसम, यू नो. जब मैंने वो ट्रेलर टीजर देखा था सरिता का, मैंने सोचा कि हर कोई स्टोरी में दो दो लाइन गा रहे, तमिल में उबका का, या दो, यू नो, पिछले बार प्रिया ने भी दो लाइन गाई थी, ऐसा बीच बीच में आप गाएंगे, बाकी स्टोरी निकले. मैं इंतजार कर रही हूँ स्टोरी, स्टोरी आती जा रही है, आती जा रही है गाने के मोड में. जैसे मदन जी बोल रहे कि हमने भी नॉर्थ में रह के उन्होंने उदा देवी का नाम नहीं सुना, तो साउथ में रह के हम कैसे सुनेंगे. तो पूरी इंडिया को ऐसे ऐसे हीरो को खोज निकाल के सबके पास लाने के लिए, सरिता, थैंक यू वंस अगेन टू यू फॉर HSPA. वी ऑल आर वेरी ऑनर्ड एंड ओवरवेल्म्ड टू बी इन दिस, ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एक्चुअली थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू पूनम जी फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस. Yes, Sarita ji, I would like to share a few words. First and foremost, congratulations. Jaisa sabne bola, I tell you the same, I would repeat. It's not easy. This thing which you have just brought forward, ye koi choti baat nahi hai. Aur phir se ek baar bolungi ki bachcho ko jodiye. Main sun rahi thi aur main yahi soch rahi thi ki mere ek ek student tak ye kyun nahi pahunch payega. So why not we together take this initiative and I tell you, इतने unsung heroes हैं हर field में. जैसे अभी सबने बोला, it's not only you know the हमारा अपना movement जो रहा वो तो है ही, freedom movement, but with that there were many you know wives who contributed. So like this one, but the others who could not be as a soldier but in some other form. So why not we tell people about them also? And about Poonam, well, Poonam Gigi, Didi, what can I say? That I have seen how she gives her 100%. And what I can say is when you give your 100%, well, you no doubt you need a standing ovation. Undoubtedly, it was nice. Or jitna ispe research hua,
मुझे लगता है जब हम इस किसी स्टोरी पे इतना रिसर्च करते हैं, इतना काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक अंश हम में भी आ जाता है. सो लेट अस ऑल कीप ग्रोइंग एंड फ्लोइंग विद दी स्टोरीज. एक सूफियाना चाम आपने दी, बिल्कुल झूमने का मन हो रहा था, और उदा माँ ने नाम दिया, तो शायद अब हम अपने सारे जीवन भर याद रखेंगे. थैंक यू, थैंक यू सो मच, वंडरफुल. Thank you, Vanita ji, for your kind words. And yes, in fact, I've been talking to Poonam ji also about the other part of the women who are, you know, not been able to, or not, the stories have not come forward. And school ka definitely, it's on our minds. Thank you again. And, you know, we can definitely get in touch and take it forward. And right. Yes, so thank you so much for being here to support. Thank you. And with that, I think we will take our leave from the Facebook Live. So I'm sure we are getting a lot of messages on the page. You have all really enjoyed this storytelling and such an inspiring story. So, जैसे उन्होंने कहा, ये कहानी आप भी सुनाइए घर घर में, शेयर करिए, लाइक करिए, बच्चों तक पहुंचाइए. ये जो कहानियां इतिहास के पन्नों से में आ रही हैं, बहुत अनसुनी कहानियां हैं. And they're about men and women who have really, you know, gone out of the way for the freedom of our country. So please do share, like, and keep watching our episodes. We are continuing with this throughout the year and the next. So watch out for our next episode, Friday, 7 p.m. on Itihas Ke Panno Se, live on the HSPF Facebook page. And with that, we and everyone here will take leave from Facebook Live. Thank you once again for joining us every Friday. So without your support, this would not be possible. Thank you all. Thank you once again, Sarita. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind.